कम कर दिया। नेगेटिविटी आपके बॉडी के पावर्स को, आपकी ऑरा को डाउन करती है। मेरा एक सवाल आप लोगों से, आप ऑरा जानते हैं? ऑरा क्या होता है? औरत नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है? लास्ट में को सुनाई नहीं देते। ऑरा का मतलब क्या होता है? आपके बॉडी से निकलने वाली एक पॉजिटिव एनर्जी को कहते हैं ऑरा, एक पॉजिटिव एनर्जी। आप देखिएगा, कोई बहुत बड़े संत महात्मा या कोई बहुत ही पॉपुलर शख्सियत जब आती है तो आप उसके सामने जो खड़े होते हैं ना, आप देखना कोई एनर्जी महसूस होती है। कभी देखा? बहुत संत महात्मा थे, कई सालों वर्षों से तपों में तप में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, जीवन में उन्होंने शादी ब्याह भी नहीं किया, सब कुछ छोड़ सा के किनारे हो गए, ठीक है? उनके साथ जब आप उनके सामने सानिध्य में आते हो दो मिनट के लिए, आपको लगता है कुछ मुझे अच्छी फीलिंग है, ठीक है? ऐसी नकारात्मक शक्ति के लोगों के सामने जाइएगा, जैसे कभी तांत्रिक के सामने जाओ, ठीक है? आपको अधिकतर कुछ एनर्जी समझ में नहीं लगती, खुद ऐसा लगेगा तुम्हारे अंदर कुछ है। हाँ, तुम्हारे अंदर कुछ है, हाँ लगता तो है, ठीक है? होता है नहीं, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? गुस्से के पास जाओगे तो गुस्सा वाला, प्यार से रहने वाले का प्यार वाला, तो ऑरा आपका जो रहता है ये ऑरा लोगों को खींचता है। कई बार आप लोग बोलते होंगे कि आपके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, क्यों बोलते हो? ऐसा क्या हुआ कि रोज आपको कुछ मसाले खाने को मिलता है कि तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है, रोज गुलाब जामुन खिलाता है, खा ले तो रहना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ऑरा बिल्डिंग में थोड़ा ध्यान दें। ऑरा मतलब आपकी बॉडी से ऐसी एनर्जी निकले ना, तरंग निकले जिस तरंग से लोग आपके साथ रहना पसंद करें और आपको उठाने का भी सोचे, ठीक है? और ऑरा बिल्डिंग के लिए ये एक मैं वर्क भी दे रहा हूँ आप लोग का, आज से मैं वर्क भी चालू कर रहा हूँ। संडे टास्क आपका एक है ऑरा बिल्डिंग, कुछ वीडियो देखिए आप लोग ऑरा बिल्डिंग का, आप लोग खुद देखिए कि मैं ऑरा कैसे बनाऊँ, क्योंकि अभी ऑरा बनाने का सही टाइम है। ऑरा बिल्डिंग AURA कहते हैं इसको इंग्लिश में, ऑरा बिल्डिंग कैसे करें, इससे क्या होगा आप देखना आपकी नौकरी भी जल्दी लगेगी, आपका बहुत जल्दी बिजनेस भी ग्रो अप करेगा, क्योंकि लोग आपसे मिल जाएंगे तो आपसे बिजनेस करना चाहेंगे लोग। इससे आपके फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेंगे, जो अकेले रहते हैं जिनका कोई नहीं है दुनिया में, कहते हैं अचानक 50 फ्रेंड आ जाएंगे, ठीक है? रिलेटिव भी छिड़ते होंगे, कई लोग रिलेटिव देख के भाग जाते हैं आपको, वो रिलेटिव बैठ के आपके साथ चाय नाश्ता करने लगेंगे, ठीक है? और हो सकता है कि कभी घर नहीं बसे, घर बसे ऑरा बिल्डिंग, ठीक है? ऑरा की बड़ी ताकत है, तो संडे में ये थोड़ा देखिएगा कि ऑरा कैसे हम बढ़ा, उसके लिए क्या करिए, आपको आकर्षण कैसे करें, आकर्षित कैसे करें, छोटू की ऑरा बिल्डिंग अभी ऐसा बैठा था, छोटू अभी अपने ऑरा को बढ़ा रहा है कि भाई एक नहीं बता 60-70 लोग मेरे एकदम फॉलोअर्स बन गए, ठीक है? 2200 फॉलोअर है देखो। और अभी उम्र कितनी छोटू, उम्र कितनी अभी? 17 साल में 2200, यानी 60 साल की उम्र में 1-1.5 लाख के ऊपर एक करोड़ हो जाएगा, पूरे MP का फॉरन होने लगेगा, ठीक है? इसके अलावा आप अगर कुछ कहना चाहें, आपको ऐसा कोई वर्ड है जो आप चाहते हैं, मतलब इसमें पुटअप करना चाहते हैं जिससे आपकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़े? आज हमें मानी नहीं है, क्या नाम है, सलाम दिया, सोनिया नहीं है, सोनिया रहती तो 5-7 पॉइंट अगर और जोड़ सकती है, और बिल्डिंग में सभी से पॉइंट धड़ाधड़ धड़ाधड़ भी जुड़ जाते हैं, कल की क्या भी मैं दे रही, ठीक है? कोई किसी को कुछ कहना है, कोई पॉइंट जोड़ना चाहता है? हाँ, ये भी पॉइंट अच्छा है, टॉपिक्स मतलब इंटरेस्टेड टॉपिक्स पे ध्यान दे, ये भी देखो इंटरेस्टेड टॉपिक पे ध्यान दे, इंटरेस्टेड टॉपिक पे ध्यान दे, यानी क्या कहते हैं, फॉलो द इंटरेस्टेड टॉपिक्स, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है उन पे ध्यान दो, देना प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे आपको थोड़ा सा अगर घूमना पसंद है, घूम लो, देखना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। देखा है, आप एक बार कहीं आउटिंग होकर चाहिए चले आए, दूसरे दिन अपनी एनर्जी के साथ, लोग हर मंगलवार को जाते हैं गौरीघाट, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ, कई लोग संडे में जाते रहता है ना, कई लोग कुछ नहीं है तो आप देखते भावरताल गार्डन में जो घास में लेटे पाए जाते हैं, ये भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा लेटे रहते घास में, एक दो राउंड ऐसा करते हैं, कई बार देखते हैं भैया पी के लेटा तो नहीं है, और वो तो लोट लोट और बढ़ गया, तो उनको उससे अच्छा लगता है कि लेटे रहो, ठीक है? कई लोग बैठ के ओम करते रहते, देखते होंगे ओम अपाणायाम करते हैं, कुछ कैसे करके भी अपने आपको रिकवर करने का सोचते, ठीक है? और कुछ और कोई पॉइंट बताएगा? कई लोग को मोबाइल चलाने से ऑरा बढ़ती है। हाँ,
हाँ, लेकिन मोबाइल को भी ज्यादा हद से ज्यादा लेकर इग्नोर करें, कुछ ज्यादा मोबाइल भी अपने आपको लेकर कई बार अकेला कर देता है, आप दोस्तों से मिलने की जगह जाते मोबाइल में घुस रहे हो। अच्छा हाँ, फिर उसमें खो जाते हैं, फिर पता नहीं उससे कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, तो चले जाएंगे रहते हुए, फिर घर में हमारे आती कपड़े धोना तब जाके वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो हमारे माता जी को कहे ये अच्छा गुण है कि आप कहीं भी निकल जाओ, लौट के मम्मी जल्दी बुलाती है, सुनो जाले कौन बताएगा और तुम राशन लेके आओ। ठीक है, तो ऐसे करके आपके बैठने को माता जी काफी कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, छोटू किया कभी कंट्रोल मम्मी ने? ठीक है, चलिए तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग ने समाप्त किया।